उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वे उनको नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेक की मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जुड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देख कर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शर, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करती हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करती हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करती हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाली हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने घर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त व्यवहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुल सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मुंह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है।
जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले। तमरूप, अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। ये सुनते ही रावण हंस कर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधने से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से उन चासों पवन चलने लगे। हनुमान जी अटहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपेटे झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है, हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, ये पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जलते। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ, अतः इस विराद को याद करके हे नाथ मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रही हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की।
जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछे, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करती हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किम्बाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, ये बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः ही प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता।
हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर बालकगण कहने लगे कृपालु आनंद कर श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित हो गए। देवता आकाश से अपने अपने लोगों को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीच और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ये नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कही देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीच वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छपक्की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर
कछपकी पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रही हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शीश जी कछपकी पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीच वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिसके द्वारा दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूती की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के मन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभू और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण प्राणों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, अब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर, यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो ही स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे विरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते।
जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कोसलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुत्सल्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जी जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हेतात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जियाला हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो।